हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ऑयल पेंटिंग्स बनाने जा रही थी। ये मेरे कुछ पुराने ऑयल कलर हैं, तो जो मैं पेंटिंग बनाने जा रही हूँ माँ सरस्वती की, तो उसमें मुझे ग्रीन कलर चाहिए, बट मेरे पास ग्रीन कलर नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने ब्लू और येलो कलर ले लिया और उन दोनों को मिक्स कर मैंने ग्रीन कलर बना लिया। अगर कभी आपके पास भी अगर ऐसा हो कि आपके पास ग्रीन कलर नहीं है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो सरस्वती माँ के बैकग्राउंड में था, उसमें ग्रीन कलर था और मैंने उसको थोड़ा लाइट देने के लिए उसमें वाइट कलर का भी यूज़ करा, ठीक है। डार्क देने के लिए मैंने थोड़ा ब्लू कलर का भी यूज़ करा, ठीक है। और कहीं कहीं पे मैंने येलो कलर का भी यूज़ करा, आप देख सकते हैं पेंटिंग पर, ठीक है। और आपने जो शॉर्ट्स है, जो फुल फिगर का ड्रॉ करना होता है, वो आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं बनाने जा रही हूँ फेस। फेस के लिए सबसे ज़्यादा मोस्टली होता है ज़रूरत वाइट, ब्रंसाइना, स्कारलेट, क्रिमसम, येल्लो और ओकर येल्लो। तो सबसे पहले मैंने डार्क कलर अप्लाई किया है, फिर मैंने उसको वाइट येल्लो भी दिया है, उससे टेक्सचर बनाया। मिलाना नहीं है, मिला के कलर आपको लगाना नहीं है, मतलब प्लेट पे मिक्स नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान देना है। मैंने शीट पर जाके उस कलर्स को मिक्स किया है एंड तब जाके वो टेक्सचर आया है, जैसे कि आप वीडियो पर देख सकते हैं। फिर मैंने आईज़ वगैरह बनाई। आईज़ में भी मैंने ब्लैक कलर का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। आईज़ में आईब्रोज़ मैंने कहीं पर नहीं किया है। आई थिंक जो हेयर्स हैं, तो उसमें भी मैंने ब्लैक कलर का कलर बिल्कुल यूज़ नहीं किया। उसमें मैंने ब्रंट साइना, ब्रंट अम्बर, डार्क ब्लू, प्रशियन ब्लू, ये कलर इस्तेमाल किए हैं, ये कलर यूज़ किए हैं। आफ्टर दैट मैंने फिर ये मैंने वीणा बनाई है। वीणा कैसे बन रही है आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट फिर ये वीणा कंप्लीट होते ही मैंने ये एक्चुअली जो माँ की साड़ी है उस पर मैंने वाइट कलर और ग्रीन कलर से टेक्सचर दिया है। बट क्या हो रहा था ना कि वाइट कलर और ग्रीन कलर ना मिक्स हो रहा था, जो टेक्सचर आना चाहिए था वो टेक्सचर आ नहीं रहा था, तो इस वजह से वो बन नहीं रहा था जैसा बनना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि कुछ दिन जो है शीट को ड्राई करने के लिए रखना, फिर उसके बाद एक्रेलिक कलर यूज़ करना, तब टेक्सचर आ जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने आगे का काम शुरू किया, बैकग्राउंड कर लिया। फिर मैंने कुछ दिन बाद एक्रेलिक कलर से जो बाकी साड़ी है वो बनाई, ठीक है। और फिर मैंने फ्लावर्स बनाए बैकग्राउंड में। तो फिर आप देख सकते हैं मेरा काम कैसे है। और अगर आपको अच्छा लगे काम, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।